सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया भाई कैसे डाउनलोड करना है, तो उस पर जिन जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो भाई कमेंट में बताना, वो वाले वीडियो के कमेंट में तो मैं पूरा बता रहा हूँ। एंड जो ड्राइव का प्रॉब्लम आ रहा था कुछ लोगों की, ड्राइव का जो लिंक था वो नहीं खुल रहा था, मैंने भाई लिंक चेंज कर दिया तो अब खुलेगा। एंड भाई फिर मैंने जो बताया था APK इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना, देन भाई ऑटोमेटिकली OBB फाइल जो है देखना डाउनलोड हो जाएगा। एंड जैसे कि मुझे अभी दिखा रहा है, देखो डाउनलोडिंग रिसोर्सेज करके, तो उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरा OBB भाई जब पूरा डाउनलोड हो गया तब भाई ये शो किया। एंड भाई यस, मैं यहाँ पे अलाउ दबाऊंगा, देन भाई अपना गेम कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। एंड बस यहाँ पे ओपन करने की दी है, जो कि भाई अपना नया लुक के साथ अपना आ गया भाई, पुराना पबजी जो कि एक छोटा सा अपडेट था, देन कर लिया। फिर एक रिस्टार्ट करना बनता है जो कि हमेशा होता है। एंड देखना यहाँ पे कंपाइलिंग रिसोर्सेज बता रहा है, तो रिसोर्सेज कंप्लाई कंपाइल करेगा क्या, ये जो है भाई डेटा है ना वही कंपाइल हो रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा लोडिंग टाइम, देन यहाँ पे बताएगा कि लॉग इन कर लो, अरे अपना वही पुराना आईडी खोलेगा भाई, जो कि मैंने बोला था नया आईडी नहीं भाई, पुराना आईडी से ही लॉग इन कर लेता हूँ। मैं अपना जो जीमेल आईडी है उससे लॉग इन करता हूँ, तो उससे लॉग इन करूँगा। एंड हियर यू गो, मेरा आईडी भी लॉग इन हो गया, तो बस लोडिंग की देरी। एंड यहाँ पे भाई जैसे ये दिखा ना, मतलब अलग से कूल सा फीलिंग आया भाई, मतलब गलत है पबजी यार, गलत कर दिया। राइट पे जो पबजी मोबाइल वाला लोगो भी दिख रहा है, क्या मस्त लग रहा है भाई। एंड काउंटडाउन भी हो गया भाई, पूरा नहीं होने दे, देखा 5 सेकंड बाकी था यार, लेकिन भाई ये जो है क्या थ्रिलिंग दे रहा है मेरे को। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यार सीन का नज़ारा का जो नज़ारा चल रहा है उसका मज़ा लो यार, कुछ नहीं करना आपको, जो हो रहा है बस होने दो। एंड यहाँ पे आपको लात मार के धक्का मार के आगे गिरा देगा और कुछ नहीं। तो जॉयस्टिक का भाई कोई काम नहीं है, मुझे लगा था इससे वो होल के अंदर जाना है, बट वो ऑटोमेटिकली आपको उसी ओर खींच रहा है। जॉयस्टिक बस ऐसे ही दिखाने के लिए था, कोई काम का है नहीं यहाँ पे। एंड फिर भाई इसके बाद जो दिखा, देखना बस भाई साहब, अलग ही थ्रिलिंग वाला सीन है ये तो, मतलब भाई पूरा चकाचांद कर दिया भाई आंखों को। एंड या वी कम आवर न्यू एरा बिगिंस फ्रॉम हियर भाई, पबजी मोबाइल 1.0 स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एंड भाई चलो अपन पूरा भाई एकदम हीरो वाला, सुपर हीरो वाला एंट्री के साथ देखा लॉब में एंट्री। एंड भाई यहाँ पे एक चीज की भाई मुझे पता नहीं था पहले कि क्या हो रहा था, बट यहाँ पे भाई आपको बैक करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ऊपर जो दिख रहा है ना तीन भाई ऑप्शन से, वहाँ से आपको राइट लेफ्ट स्वाइप करते जाना है। एंड भाई पहले मुझे खुद समझ में नहीं आया, फिर अब समझ में आ गया कि ऊपर से स्वाइप एंड वगैरह वगैरह करना है, तो उससे चेंज होता है। एंड थोड़ा यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हो भाई, बिल्कुल चेंज है भाई, जो ग्राफिक्स है वो भी भाई बहुत ज़्यादा चेंज है। एंड किसको क्या लगता है यार, बताओ कैसा लगा। एंड यार अभी भी बाकी है, वीडियो खत्म हुआ मेरे भाई, थोड़ा एक्सप्लोर करने दो। एंड देखो तो नया नया क्या आया, या फिर नया मीन्स थोड़ा चेंजेस क्या क्या आया वो देखो यहाँ पे। एंड मेरे को ड्रॉप नहीं मांगता अभी, हटो। एंड देखना यहाँ से भाई लेफ्ट जो ऑप्शन था सिलेक्ट मोड, वहाँ से भाई जो मैप्स वगैरह सेलेक्ट करना होता है। एंड भाई मैप्स डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत हर बार करना पड़ता है। एंड यहाँ पे डाउनलोड पर लगा दूंगा सब कुछ। एंड भाई चलो एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड का जो भाई घूम के आते हैं एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड। एंड एक्चुअली भाई सीन क्या है यहाँ पे देखना, ट्रेनिंग ग्राउंड पे जैसे ही मैं दबाता हूँ एक पॉपअप से मैसेज आएगा, तो वो एक बार पढ़ लेना पॉज करके, जो कि मैं आपको बताता हूँ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। एंड यहाँ पे पहले मुझे लगा कि भाई ईवो ग्राउंड पे टीडीएम नहीं है, फिर नीचे दिखा भाई एरिना लिखा है, तो भाई थोड़ा यहाँ पे पॉपअप हो गया मेरा। बट हाँ मुझे लगा था पहले कि भाई टीडीएम वगैरह हट गए, फिर मेरे भाई कोई ना। फिर यहाँ पे जैसे मैं दबाता हूँ भाई ट्रेनिंग ग्राउंड पे, तो बता रहा कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो आपको चेयर पार्क के अंदर से जाना पड़ेगा, मतलब चेयर पार्क जो है सेपरेट करके नहीं है। आप पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में जैसे घुसोगे ना, पहले तो ये लोडिंग हो जाए मेरा, अभी लोडिंग हो जाए, चल हो जाए जल्दी जल्दी। तो चेयर पार्क पर आप एक्चुअली आप ट्रेनिंग पर दिखाओगे ना, तो ट्रेनिंग ग्राउंड पर आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, आप पहले भाई आओगे क्या चेयर पार्क पर। एंड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ऑटो रन पर लगा के यहाँ पर ले आएगा, जो कि भाई यार एक गेम का ये क्या मस्त लगा भाई। फिर यहाँ पे नीचे देखना एक ट्रेनिंग ग्राउंड लिखा है, तो उस पर आप गन वाला जो ऑप्शन था ना ट्रेनिंग ग्राउंड से, वो उस पर दबाओगे तो भाई आपको लेके आएगा कहाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड पे।
तो एक्चुअली आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे दबाओगे तो आपको चेयर बैक पर लाएगा, फिर वहाँ से आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पर आना पड़ेगा। फिर यहाँ भाई यहाँ गलत ही भाई है, जो कि यार क्या मस्त दिख रहा था, जो कि एक्चुअली मुझे लगा भाई ग्राफिक्स वगैरह क्या कर दिया यार। यहाँ पे थोड़ा ये एक ट्रेनिंग के लिए ऐसे ही ऑटोमेटिक से आ जाता है, जो कि पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं था, चेयर पर था बस। एंड अब भाई ट्रेनिंग ग्राउंड पे, यहाँ पे मुझे भाई मैं भूल गया था, यहाँ पे जायरो वगैरह ऑन नहीं रहता, तो सबसे पहले सेटिंग खोल के यार वो सब बेसिक से जो सेटिंग्स होता है वो करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये होता है मेरा बेसिक सेटिंग्स, देख लो अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज आप थोड़ा वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सपना बहुत थोड़ा बहुत सेटिंग कर रहा था। एंड जो सेंसियन कंट्रोल से भाई वो पुराना जो पबजी था वैसा ही होगा, आपको पता है कि आईडी में चेंज नहीं होता, सब कुछ सेम ही है। बट मुझे भाई थोड़ा सा यहाँ पे जायरो का सेंसी मतलब थोड़ा चेंज लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही बढ़ा दिया इन लोगों ने, जो कि अच्छी चीज़ है भाई। मतलब लिटरली जिनको 300 से ऊपर के सेंसी चाहिए थे ना, उनके लिए अब भाई फ़ायदा हुआ। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब क्या अपने कंट्रोल्स ढूंढ रहा था यार, पबजी में लास्ट कब खेला था पता नहीं खैर अरे मजाक था यार। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अपना ग्राफिक्स बढ़ा कर देखता हूँ HDR पे, तो भाई ग्राफिक्स जो है मस्त लगा यार। मतलब आप देखना बस, ये जो है पहले भाई ऐसा ही था, बट मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट सा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है यार देखने में, जो कि एक्चुअली पहले भी आई था बट अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा यहाँ पे भाई रिकॉल ट्रैफिक चला तो कितना नोब सा रिकॉल है मेरा देख लो, जो कि एक्चुअली मुझे लग रहा है सेंसी थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया, तो अच्छा चीज़ है। एंड अच्छा चीज़ है भाई यहाँ पे शैडो एंड वगैरह वगैरह, जो कि अब मैं करूँगा स्मूथ पे, जो कि स्मूथ पे करके भाई स्मूथ सा चलेगा, इसीलिए हमें स्मूथ करना है। एंड अपना शेडोज को बंद कर देंगे एंड ब्राइटनेस फुल कर देंगे जैसे कि मेरा रहता है। तो यहाँ पे देखना भाई रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम्स आया, जो कि भाई इसे ही बोलते हम रेंडरिंग, जो कि मैंने HDR से स्मूथ किया ना, दैट्स व्हाई ये रिकॉर्डिंग पे भी ये प्रॉब्लम हुआ, तो भाई एंड्रॉयड में ये होता है। एंड थोड़ा यहाँ पे मूव वाला हरकत है, एक बार प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि चेक कर रहा था बस, क्योंकि जायरो भाई थोड़ा बहुत अलग रहता है। एंड यहाँ पे थोड़ा एक व्हीकल का साउंड टेस्टिंग करते कि मे बी साउंड में या फिर जो स्पीड या फिर ड्रिफ्ट में कुछ चेंजेस आया, तो भाई नहीं वैसा कुछ भी नहीं आया। मैं यहाँ पे एक ही व्हीकल का दिखा रहा, बट यस बाकी सारे व्हीकल्स का भी सेम है भाई, व्हीकल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है। एंड फिर क्या यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलेंगे, तो यहाँ पे भाई ट्रेनिंग ग्राउंड से जैसे आप एग्जिट करोगे आपको लाएगा वापस कहाँ, अरे भाई वही चेयर पार्क पे लाएगा आपको। एंड चेयर पार्क पे जैसे आते अनलोडिंग हो जाए मेरे चेयर पर, जैसे आते यहाँ पे देखना दो चंगू मंगू दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि नंगा पुंगा खड़े थे। एक्चुअली नंगा पुंगा नहीं, मेरा रिसोर्स पैक भाई डाउनलोड नहीं है, तो इसलिए नंगा पुंगा दिख रहा है। एंड भाई मुझे पता है आपने क्या देखा, अरे यार थोड़ा चेक कर रहा था कि नए नए प्लस कौन कौन है जो कि ज्वाइन किए चेयर पक, तो यार चेयर पक से भी निकलेंगे। एंड आहा सुकून मिल गया दिल को भाई मेरा स्मूथ हिटमन वाला अपना एंडी को देख के। एंड हाथ में अपना वही पकड़ा है बड़ा वाला, आई मीन गारंटेड वाला गन, जो कि वैसे ही था। एंड यार भाई ये जो लोग खेल रहे हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट पे, ये एक्चुअली जो प्रीवियस पर्सन था ना, जो कि भाई पबजी वर्ल्ड मतलब ग्लोबल पर्सन जो था उसमें खेल रहे, तो भाई वैसे तो नहीं होगा एक्चुअली, एंड वैसे एक्चुअली होगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनके साथ नहीं खेल पाएंगे एंड वो लोग आपके साथ नहीं खेल पाएगा। एंड यहाँ पे अपना प्रोफाइल थोड़ा यार एक ले लेते हैं सेल्फी वगैरह। एंड यार यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ आपको बैक करने का ऑप्शन नहीं, तो ऊपर से ही जो दिख रहा है ना पबजी बोल के, वहाँ से आपको राइट एंड लेफ्ट स्वाइप करना है। एंड थोड़ा आरपी पे चलेंगे तो यहाँ पे भी लेआउट थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। एंड मेरा आरपी भाई देख लो गरीब का आरपी। एंड खैर एक चीज़ मेरे को भाई जो कंसर्न था, यूसी भी भाई मेरा वैसा ही 249 यूसी था एंड वही यूसी है, तो भाई और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही।